हेलो सी यू ATS फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग? राइट, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं इसके रिगार्डिंग, जितने भी PG के कैंडिडेट हैं सी यू ATS PG अप्लीकेशन फॉर्म। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिन स्टूडेंट ने PG के जो अप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल नहीं किए हैं, यू कैन फिल नाउ टिल द 19 जून 2022 11:50 रात तक आप फिल कर सकते हैं। ओके, अब बहुत सारे स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम आ रही थी कि भैया मेरा जो 12th के अंदर नेम है और आधार कार्ड में जो नेम है, या फिर हमारे जो ग्रेजुएशन में जो नेम है और जो आधार कार्ड में जो नेम है वो डिफरेंट है, राइट? सो इसका क्या सॉल्यूशन होगा और इसको हम जो आगे फर्दर कैसे प्रोसीड करें? ओके, एक ये क्वारी थी कि भैया हमने जो फॉर्म है वो गलत फिल कर दिया, यानी कि हमने फॉर्म में मिस्टेक हो गई है, तो क्या हमारा फॉर्म कैंसिल हो जाएगा? एंड एक ये क्वेश्चन था कि भैया एग्ज़ाम कैसे कैसे होगा, कितनी लैंग्वेज के अंदर होगा ये एग्ज़ाम। ओके, सो कंप्लीट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है, सारे के सारे सवालों का मैं जवाब दे रहा हूँगा। एंड यार CU ATS के रिगार्डिंग आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके पास कोई भी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप जैसे हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हैं, नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। एंड पिछले 3 साल से जो है CU ATS एडमिशन प्रोग्राम भी हमारी टीम जारी रखे हुए हैं, जिसके अंदर जो है आप हमारा मेंबरशिप प्लान या फिर काउंसलिंग प्लान ले सकते हैं, जिसके अंदर हमारी टीम फुल ट्राई करती है कि आपको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर आपको सीट दिलाने की कोशिश की जाती है ऑफिशियली, जो भी सिंपल प्रोसेस होता है उसके अंदर। ठीक है, आपको ज़्यादा मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह सारा का सारा डिटेल के अंदर डिस्कस किया जाता है, जो भी प्रिपरेशन कराई जाती है, यानी कि बेसिकली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एडमिशन के रिगार्डिंग। सो इसके लिए जो है आप हमारा जस्ट मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं, जिसके अंदर 100% मतलब ये ट्राई किया जाता है कि आपको सीट मिल जाए किसी भी हाल के अंदर। और ये जो प्लान है दिस इज 99.99% सक्सेस इन लास्ट 3 ईयर्स। ओके, एंड जस्ट लाइक मैनी यूनिवर्सिटी, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, ओके, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा एंड मैनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन्स कराए हैं लास्ट 3 ईयर्स, एंड दिस इज़ फुली सक्सेस प्लान। तो दिस इज़ एन चार्जेबल प्रोसेस, अगर बाई चांस आपका एडमिशन नहीं होता है देन आपका पैसा जो है रिफंड कर दिया जाता है एज पर द रूल्स। ओके, अब अपन बात करते हैं आपके करेक्शन का क्या सारा सीन है। सो यार, जिन स्टूडेंट को ये इश्यू आ रहा है कि आपका अगर ग्रेजुएशन में नाम अलग है, आधार कार्ड में नाम अलग है, या फिर 12th में नाम अलग है, सो जो देखो अब आपको जो 3 ऑप्शन वहाँ पे शो हो रहे होंगे। एक तो फर्स्ट सिंपल आधार कार्ड और जो भी आपके मार्कशीटों में सही नेम हो, सेम नेम हो, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, आधार कार्ड की डिटेल और आपकी जो भी सिंपल डिटेल डालोगे तो वो सिंपल हो जाएगा आगे फर्दर प्रोसीड। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके आधार कार्ड में भी अलग डिटेल है एंड आपके जो भी मार्कशीट वगैरह उसमें अलग डिटेल है, देन आप जो है दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप जो आधार कार्ड की डिटेल शेयर ना करना चाहते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप उसके अंदर वो जो दूसरा ऑप्शन है ना, जिसके अंदर आपको दिया गया है कि आपके आधार कार्ड में डिटेल अलग है और मार्कशीट या फिर ग्रेजुएशन में नाम अलग है, तो जस्ट वो आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, जहाँ भी आपको फॉर्म है वो ऑप्शन शो हो रहा होगा। एक देखो वहाँ पे 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं आपको, एक के अंदर सिंपल मतलब सारी डिटेल्स सही है, यानी कि आधार कार्ड में भी वही है और आपके डॉक्यूमेंट्स में भी वही है। ठीक है, अगर आपका ये प्रोसेस है देन आप जो भी है आप वो सेलेक्ट कर लें। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आपके आधार कार्ड में नाम अलग है एंड जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसमें डिफरेंट है, आधार में डिफरेंट, तो दूसरा आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा आपके पास ये होता है कि आप आधार कार्ड की डिटेल देना ही नहीं चाहते, देन उस कंडीशन में क्या होता है आपको कोई अदर आइडेंटिटी देनी होती है। ठीक है, मतलब आइडेंटिटी आपको देनी होती है। ओके, अब जो आपके फॉर्म जो फिलिंग है वो होने वाले हैं टिल 19 जून रात 11:50 तक। ओके, अब बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है फॉर्म के अंदर गड़बड़ी कर दी होगी, राइट, आपने फॉर्म गलत फिल कर दिया होगा, तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा? सर, करेक्शन विंडो ओपन किया जाएगा 20 जून 2022 से लेके 22 जून 2022 तक, यानी कि 2 दिन का आपको जो है पास टाइम है करेक्शन विंडो का। करेक्शन विंडो के अंदर बेसिकली क्या होगा भैया, क्या हम चॉइस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं क्या? सर, इसके लिए जो है स्पेशल प्रॉस्पेक्टस जारी किया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसके अंदर बेसिकली जो है आप अपनी सिंपल डिटेल वगैरह भी चेंज कर सकते हो, एंड डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी मतलब क्या रूल्स रेगुलेशन करती है। बहुत बार ऐसा हुआ भी है कि जस्ट आप जो है अपनी चॉइसेस भी चेंज कर सकते हो। ओके, सो जस्ट ये डिपेंड करता है नोटिस के ऊपर एंड जस्ट ओके
मतलब जस्ट आपके पास ऑप्शन हो सकता है चेंज करने का, हालांकि कंफर्म नहीं है, लेकिन 99% यह है कि आपको होना चाहिए। मतलब जस्ट लाइक आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं, डीओ भी चेंज कर सकते हैं, एंड आपके चॉइसेस एंड एडमिट कार्ड की सिटीज, स्पेशली सिटीज के ऊपर फोकस किया जाता है, आपका जो एंट्रेंस टेस्ट की जो सिटीज है वो आप कर सकते हैं चेंज। बेसिकली आपका जो पेपर है वो 120 मिनट का होने वाला है, यानी कि 2 घंटे का टाइमिंग जो सेशन रहेगा वो 2 भेज रहेंगे, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। तो शिफ्ट 1 जो है 10 बजे से लेके सुबह 10 से लेके दोपहर 12 बजे तक होगा, एंड शिफ्ट 2 होगा 3 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। ओके, लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी लैंग्वेज के अंदर पेपर हो रहा है, जैसे हिंदी, इंग्लिश एंड स्पेसिफिक इन योर कंसर्न ब्रांच, जो भी आई थिंक 7 से 8 लैंग्वेज इंडिया में चलती है NTA के द्वारा जो भी होती है, तो इतनी सारी लैंग्वेज के अंदर जो है पेपर कंडक्ट किया जाएगा। ओके, एंड और भी कुछ जो है इसकी तरफ से नोटिसेस वगैरह जारी होते रहते हैं, तो जस्ट आप जो है cuet.nta.nic की वेबसाइट पर विजिट करते रहें, और जस्ट आप हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान भी ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको जस्ट ज़्यादा मेहनत की करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 100% हमारी टीम ट्राई करती है कि आपका 100% एडमिशन हो जाए। तो जस्ट हमारी तो उसी में खुशी है कि आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले। हालांकि जो अभी तक कुछ यूनिवर्सिटी नए भी ऐड किए गए हैं, जैसा कि स्पेशल नोटिस रिलीज किया गया, जैसे निर्वाण यूनिवर्सिटी जयपुर है, बेनेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा है, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा है, MJP जो भी रोहिकांत यूनिवर्सिटी रायबरेली है। ओके, सो इनको जो है ऐड किया गया है, एंड कुछ कुछ कोर्सेज भी जो है लॉन्च किए गए हैं, जैसे एक स्पेशल नोटिस है रिगार्डिंग द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इज ऑप्टिंग ए सेपरेट पेपर कोड फॉर द PGQP 794 डेवलपमेंट द लेबर स्टडीज विच वाज यूटिलाइज्ड मैप इन PGQP 20 एप्लीकेशन वो हैड अप्लाई फॉर दिस पेपर कोड फॉर JNU मे डू नोट करेक्शन वेन द करेक्शन विंडो इज ओपन। ओके, सो जस्ट आप इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान रखें, एंड इसके नीचे जो है कुछ प्रोग्राम्स की लिस्ट भी जारी की गई है, स्पेशली आप जस्ट चेक कर सकते हो कि कौन कौन से प्रोग्राम क्या सारा का सारा सिस्टम है। हालांकि आपके पास जो है 4 दिन का टाइम दिया गया है, यानी कि 19 तारीख तक आपका टाइम है, तो आप जस्ट ज़रूर से अप्लाई कीजिए इसके अंदर, ठीक है। एंड आपके दिमाग में और भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर से आपका रिप्लाई करूँगा। अगर अपन बात करें टोटल पार्टिसिपेट यूनिवर्सिटीज़ की, तो यार टोटल अभी तक जो है 55 यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। हालांकि पहले जो है 51 यूनिवर्सिटी थी, एंड 4 यूनिवर्सिटियों को फिर से ऐड किया गया है, तो टोटल अभी 55 यूनिवर्सिटीज़ हो चुकी है, यानी कि न्यू यूनिवर्सिटी ऐड की गई है टिल 8 जून को 4 यूनिवर्सिटीज़ को। इसके रिगार्डिंग जो है सेपरेट नोटिस रिलीज किया गया है NTA की तरफ से, तो आप इसका बिल्कुल ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खूब पढ़ते रहिए, धन्यवाद।